नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार नरेश मस्के, जो ठाणे 25 लोकसभा से जिन्होंने चुनावी प्रत्याशी का नामांकन भरा है, उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में आज भव्य और बड़ी ही शानदार रैली निकाली। इस रैली को सफल बनाने में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, सिटिंग MLA गीता जैन, विक्रम प्रताप सिंह और शिवसेना के तमाम टीमों ने मिलकर यहाँ पर बहुत मेहनत की, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि ये शांति नगर से रैली आ रही है। यहाँ पर हजारों गाड़ियाँ इस रैली में दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, RPI और जो घटक दल है, जो सहयोगी दल है, उन सभी लोगों को यहाँ पर देखा जा रहा है। बड़ी ही आलीशान और बड़ी ही शानदार ये रैली निकाली गई है। इस रैली में खास बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी दिखाई दिए और वो भी अब जोरों शोर से इस कैंपेनिंग में उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनकी पूरी टीम में कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि संजू नाइक को टिकट नहीं मिला, लेकिन उनकी नाराजगी अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है और वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं नरेश मस्के के काम करने के लिए। इस दौरान इस रैली में हमने इन लोगों से बातचीत की, आइए हम जानते हैं उनसे। जो माहौल है पूरे ठाणे लोकसभा में है, हमारे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, उनको फिर एक बार पंतप्रधान बनाने के लिए हम सभी लोग एक साथ जुड़े हैं। यहाँ पे सभी पार्टी के हमारे प्रमुख नेता हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार है नरेश मस्के, वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत गए। पिछले बार 5 लाख का हमारा मार्जिन का हमारा कोशिश था, मगर हो नहीं पाया। 4,12,000 वोटों का मार्जिन मिला, इस बार 5 लाख वोटों से हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत के आएगा, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, उनको तीसरी बार पंतप्रधान देखना है। और साथ ही में हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे देवेंद्र जी, साथ ही में अजीत दादा पवार जी का हाथ भी मजबूत करना है। सरनाईक साहब, स्थानीय नेताओं की नाराजगी थी, क्या वो दूर हो गई? कोई नाराजगी, किसी की नाराजगी पहले दिन से नहीं थी, ये तो मीडिया ने नाराजगी जताई थी कि उनको कुछ ना कुछ न्यूज चैनल में चलाने के लिए न्यूज चाहिए, मगर हम सभी लोग एक साथ हैं। महायुति का हर कार्यकर्ता पहले दिन से नरेश मस्के के साथ में था। जब तक झगड़ा होता है, क्यों होता है? सीट मिलने की, मगर सीट एक बार अगर महायुति में किसी के पास चली गई, चाहे वो भाजपा के पास हो चाहे शिवसेना के पास हो, तो शिवसेना के पास अगर सीट आ गई तो भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने काम करना चालू किया। और आप देख रहे हैं सभी पार्टी के लोग यहाँ पे नरेश मस्के जी को जिताने के लिए मैदान में उतरे हैं और अपनी ताकत का जो इस्तेमाल है वो करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट 20 तारीख को करो, ये अपील हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मीरा भाईंदर की जनता को हम आह्वान करते हैं, हमारा एक वोट नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बना सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, नीचे उतरिए। भारत के कुछ जगह पे क्या हो गया वो हमें देखना है और उसको देखते हुए हमारे मीरा भाईंदर और खासकर ठाणे लोकसभा की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट लोग कैसे दें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कितने क्या मार्जिन का आपने हम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत पाएंगे। पिछले बार हमारा धनुष बाण 4,12,000 वोटों से जीता था, इस बार हमारा धनुष बाण 5 लाख वोटों से जीतेगा, हमें कॉन्फिडेंस है। पूरे देश में धूमधाम है, मोदी सरकार वापस आए ये हर देश के नागरिक की इच्छा है। और मीरा भाईंदर के अंदर महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के जी है, आज उनकी चुनावी प्रचार रैली हो रही है। इस रैली में आप देखेंगे कि आजू बाजू में बिल्डिंग वाले कितने उत्साहित है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी सरकार फिर से आए और यहाँ से जो उम्मीदवार नरेश मस्के जी है इसको पूरी ताकत से जिताएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जनता के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो खुशी दिख रही है कि मोदी सरकार वापस आनी चाहिए, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं नरेश मस्के जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी ताकत से हम इस सीट को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आपने कुछ नाराजगी जताई थी कि संजू नाइक को टिकट नहीं मिला, क्या वो नाराजगी दूर हो चुकी है? संजू नाइक को टिकट नहीं मिले ये मेरी व्यक्तिगत नाराजगी है, लेकिन बात देश की चल रही है, मोदी सरकार की चल रही है, इसलिए अपनी नाराजगी अपनी मायूसी, लेकिन जहाँ मोदी सरकार की बात है, जहाँ जनहित की बात है, देश की बात है, हम सदैव एक थे, एक है, एक रहेंगे और मोदी सरकार वापस आए ये हम सबकी इच्छा है। मैं जनता से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मतदान करें। ये तो प्रचार की रैली नहीं है, तो विजयी रैली है। हमारे जो शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, मनसे, RPI के कार्यकर्ते 365 दिन काम करते हैं, 24/7 काम करते, इसका ये उदाहरण है। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो लोग चाह रहे थे, ये राह देख रहे हैं 20 तारीख कभी आएगी,
और नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार या देश का पंद्रह प्रधान बनाएंगे, ये राह देख रहे हैं। और इसका जो उत्सव शुरू है, ये उत्सव है, नेताओं का काम है, काम बोलता है, उनका काम दिख रहा है, ये उनकी जो काम जो दिन रात काम करते हैं इसका एग्जाम्पल है। धूप बहुत है इसकी वजह से हुआ होगा, लेकिन उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या आप जरूर यहाँ लोकसभा के सभी मतदाताओं को मैं निवेदन करता हूँ कि मतदान ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय योगदान है, पूरा विश्व में भारत देश महासत्ता बनने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे कार्यक्षम कार्य सम्राट पंतप्रधान देश के लिए जरूरी है, इसीलिए वो कार्य में आप शामिल हो, ये मैं सभी जनता को विनती करता हूँ। मैं कोकण में था, सन्माननीय नारायण साहब के प्रचार में था, सन्माननीय राज साहब हमारे वहाँ पे आए थे, इसके लिए मैं नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कल से प्रचार चालू किया है। और मुझे लगता है नरेश मस्के एक ऐसा कार्यकर्ता और ऐसे कार्यकर्ता को जो उन्होंने टिकट दिया है, एक सामान्य कार्यकर्ता को आज खासदार का टिकट दिया है, तो मुझे लगता है सन्माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी साहब है, हमारे मोदी साहब है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और सामान्य नागरिकों को न्याय देने का काम वो करेंगे, मुझे पूरी अपेक्षा है। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में उत्साह है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, उसी तरीके से यहाँ पर ठाणे लोकसभा के जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए नरेश मस्के जी के रूप में, तब से सभी कार्यकर्ता और मीरा भाईंदर के शहरवासियों के अंदर उत्साह और एक ऊर्जा निर्माण हो गई। और आज यहाँ पे सभी इस रैली के माध्यम से आपने देखा होगा, सभी लोगों ने तय किया है कि इस बार तीसरी बार महायुति का उम्मीदवार भारी मतों से पिछली बार से ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से दिल्ली जाएगा और नरेंद्र मोदी जी को जो उनका संकल्प है आपकी बार 400 पार का, वो संकल्प पूरा होगा, फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा होगा। भाजपा के चंद्रों ने नेताओं की नाराजगी थी, क्या कहेंगे, वो नाराजगी खत्म हो चुकी है? निश्चित ही जब शिवसेना कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था तो कुछ कार्यकर्ताओं के स्वाभाविक नाराज होना था, लेकिन उसके बाद में जब बाकी नेताओं ने उन्हें समझाया तो सभी लोग समझ गए और आज सभी नेता सभी कार्यकर्ता एक साथ में एकजुट होकर नरेश मस्के जी के प्रचार के अंदर आज ईमानदारी से उतरे हैं। मैं यहाँ के हमारे जितने भी शिवसेना और महायुति के कार्यकर्ता है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि कल ही दोपहर में ये रैली का सोचा आयोजन किया और एक मैसेज में इतने सारे मोटरसाइकिल और सब लोग यहाँ पर दिल से रैली में सहभागी हुए, इसके लिए मैं हमारे सभी महायुति के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा ही साथ आने वाले 20 तारीख तक लोगों ने हमारे पार्टी के साथ में हमारे उम्मीदवार के साथ में रखना चाहिए, ऐसे में उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि ये रैली इसलिए निकली है, मोदी जी को चुनाने उनको 400 पार करना है और हमारा देश का संविधान बचाना है, क्योंकि ये लोग कांग्रेस वाले संविधान बदलने की कोशिश कर रहे, लोगों में वफा फैला रहे, क्या संविधान बदलने वाला पर मोदी जी संविधान मजबूत करना कर रहे हैं। संविधान मजबूत करने के लिए हम सभी लोग हमारे नरेश जी मस्के के चुन के लाएंगे और इस बार 5 लाख वोटों से चुन के आएंगे और इसलिए सभी के सब जने कार्यकर्ता उत्साह में। क्या आप सभी को मालूम है आज लोकसभा का इलेक्शन पूरा महाराष्ट्र देश में चल रहा है, माहौल अच्छा है, आज मोदी जी का जो सपना है 400 पार का, उसमें एक आज यहाँ पे थाना बेलापुर मीरा भाईंदर के सांसद के रूप में आज नरेश मस्के साहब यहाँ पे कैंडिडेट करके खड़े, आज सभी पार्टियों का निर्दलीय सब उसमें बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस मन से उसमें सभी के सहयोग से जो लास्ट टाइम में जो लीड मिला था खासदार के लिए वो इससे ज़्यादा मिलेगा ये टाइम में, वही उम्मीद है हमें। और भारी वोट से ये टाइम नरेश मस्के साहब लोकसभा में जीत के जाएंगे, हमें भरोसा है। फिर भाई खाली ऑफिस में नहीं किया गया, सुबह 6:30 बजे से हम लोग जो है निकले हैं, हजारों की संख्या में मॉर्निंग वॉक में, हजारों की संख्या में ट्रेन में रेलवे स्टेशन में, उसके बाद मैसूरी भवन में सैकड़ों व्यापारी संस्थाएं सामाजिक संस्थाएं सभी धार्मिक संस्थाएं नरेश मस्के जी के प्रति समर्थन जताया है, अपने प्रति प्यार दिखाया है, एकनाथ शिंदे के प्रति प्यार दिखाया है, मोदी जी के प्रति प्यार दिखाया है, प्रताप सरनाईक जी के प्रति प्यार दिखाया है, हम लोग गदगद हैं, लाखों की संख्या में लोग जो है आज पूरे दिन में जो है समर्थन
दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ऑफिस से लेके राजू भोईर जी के ऑफिस से लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, आरपीआई, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सभी लोगों ने जो है समर्थन जो दिखाया, दिख रहा है ऐतिहासिक जीत नरेश मस्के जी का होगा। पिछले बार का जो रिकॉर्ड रहा है मीरा भाईंदर शहर में, उससे भी बहुत आगे जो है लीड हम लोग लेंगे। आज हम लोग बिल्कुल अस्वस्थ हो चुके हैं। मीरा रोड के काशीमीरा स्थित डेल्टा गार्डन से ये रैली शुरू हुई है, जहां पर उसका जगह जगह पे स्वागत किया गया है। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई और सभी जो घटक दल है, सभी घटक दलों के नेता, उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। हजारों लोग इस रैली में शामिल थे। जितने भी नेताओं से हमने बात की, सभी का मानना है ये करीब 5 लाख वोटों के मार्जिन से नरेश मटके की जीत होगी, ऐसा इनका दावा है। इस रैली जब नया नगर से निकल रही थी, उसी दौरान हमने ये रिकॉर्ड किया था। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये रैली नया नगर पार की और अपने अंजाम तक पहुंची। आप देख सकते हैं कि इस रैली में करीब हजारों गाड़ियां, जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर मौजूद थे, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी यहां पर अच्छा इंतजाम किया। खुद डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ यहां पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए, वो खुद इस रैली को मॉनिटरिंग कर रहे थे। आप देख रहे हैं कैमरा मैन हरिप्रुषी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।